मेरा ख्याल है कि अल्लाह का बड़ा करिश्मा है। अल्लाह ताला कहता है मैं बातिल को मिटाता हूँ और सच को सामने लाता हूँ, और ये कुदरत का करिश्मा देखिए कि मुझे तो अपने बेटे से 10,000 दिरहम की तनख्वाह ना लेने पर जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाहल करार दे दिया मुझे जिंदगी भर के लिए, पार्टी की सदारत से हटा दिया गया, और न जाने क्या कर कुछ करना पड़ा, और फिर जेलों में डाल दिया गया। तो यहाँ तो आप देखें ना कि इस शख्स को जिन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई किया था, साकिब निसार साहब और जज जो खोसा है उन्होंने, तो साकिब निसार साहब और इन्होंने तो इनको वो क्या कहते हैं उसको, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया हुआ था, और वो सादिक और अमीन जिसको सर्टिफिकेट दिया था आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ है। तो ये है अल्लाह ताला के फैसले। मैं ये समझता हूँ जी कि ये वक्त लगा है, लेकिन ये सब कुछ सामने आया है। और आपने सुना होगा वो जो बनारसी ठगों के हवाले से बनारसी ठग सुना हुआ ना आपने? क्या नहीं सुना हुआ? तो बनारसी ठग हमने, मैंने भी बचपन से सुना हुआ है, तो बड़े मशहूर ठग होते थे, ये तो उनका भी बाप निकला है। इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा डाका कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी चोरी नहीं आई, और फिर सादिक रमीन का सर्टिफिकेट भी इसे दिया गया। तो ये देखे ना इतनी बड़ी नाइंसाफी है, और अल्लाह ताला उस नाइंसाफी को अब कौम के सामने ला रहा है कि जुल्म किया था नवाज शरीफ के खिलाफ, जुल्म किया था हमारी हुकूमत के खिलाफ, जुल्म किया था आज। लेकिन देखिए कि इसका ये चोरी पूरी कौम आज भुगत रही है, महंगाई की शक्ल में आटा